नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनाली। एक बार फिर सनातन धर्म को टारगेट किया गया। इस बार जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलपुड़ी पंडित ने भगवान भोलेनाथ समेत सभी देवताओं को शूद्र बताया है, जिस पर संत समाज ने पलटवार करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है संतों ने, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलपुड़ी पंडित ने भगवान भोले शंकर समेत सभी देवी देवताओं को शूद्र बताया था, जिसको लेकर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जेएनयू की कुलपति से जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं को जाति, वर्ण और भाषा में बांटने का प्रयास किया है, ये दिल्ली के एलीट वर्ग की एक घिनौनी मानसिकता है। अखिल भारतीय संत समिति इसकी घोर निंदा करती है। ऐसे तथा कथित बुद्धिजीवियों से हमारा यही कहना है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपने दाव आजमाएं। सनातन हिंदू धर्म के देवी देवता और महापुरुष भले ही किसी भी धर्म और वर्ण में पैदा हों, लेकिन वो इन सब चीजों से परे हैं। हम न भगवान राम को किसी जाति के दायरे में बांध सकते हैं और न भगवान परशुराम या भगवान कृष्ण को किसी जाति के दायरे में ले सकते हैं। इसलिए हिंदू देवी देवताओं के बारे में तथाकथित बुद्धिजीवी कोई बयानबाजी न करें, यही बेहतर होगा। जेएनयू की कुलपति महोदया ने जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं को जाति, वर्ण, भाषाओं में बांटने का प्रयास किया, ये एक कुत्सित मानसिकता है दिल्ली के इलिट बौद्धिक वर्ग की। अखिल भारतीय संत समिति इसकी घोर निंदा करती है। और मैं ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप अपने दांव आजमाइए। सनातन हिंदू धर्म की वर्ण आश्रम की व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, यह ध्यान रखिए। और हमारे देवी देवता और महापुरुष चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में पैदा हुए हों, यह कालातीत हैं, वर्ण और आश्रम से ऊंचे हैं। हम न परशुराम को किसी जाति में बांट सकते, न भगवान राम को बांट सकते, न भगवान कृष्ण को बांट सकते, और न वय की सीमाओं में, उम्र की सीमाओं में बांधे जा सकते हैं। इसलिए हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बयान देने में मैं इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को कहूँगा कि अपने बुद्धिजीविता का प्रदर्शन न ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको बता दें, सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलपुड़ी पंडित ने एक बयान देते हुए कहा था कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा क्षत्रिय है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए, क्योंकि वे शमशान में बैठते हैं, उनके साथ सांप रहते हैं, वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान में बैठ सकते हैं। कुलपति बोली कि माता लक्ष्मी शक्ति यहाँ तक भगवान जगन्नाथ की मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार उच्च जाति से नहीं आते। भगवान जगन्नाथ वास्तव में आदिवासी मूल से हैं। बहरहाल, ये पहली बार नहीं है जब किसी शख्स ने सनातन धर्म और सनातन धर्म के देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणी की हो, बल्कि लगातार सनातन धर्म को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। एक वर्ग विशेष खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में सनातन सभ्यता का मजाक उड़ा रहा है और हमारे देवी देवताओं और संस्कृतियों को लगातार मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब जागरूक हों और अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हों, तभी सनातन सभ्यता को बचाया जा सकेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।